तो पहले तो ये जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब तक हमने पढ़ा तब तक चार्ज हमारा कहाँ था, चार्ज एट रेस्ट पे था। क्या था? रेस्ट पे था, रुका हुआ था। अब जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो चार्ज इन मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा, अब चलना शुरू कर देगा। इसके बाद जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो चार्ज पगले आ जाएगा और दौड़ने लगेगा, एक्सलेट करने लगेगा। ठीक, अब इसके बाद आती ये बात समझ में आ गई कि जब जो इसके पहले के चैप्टर है उसमें चार्ज रुका हुआ, चल नहीं रहा, इसीलिए उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ। अब क्या पढ़ रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे चार्ज चल दिया है तो अब चलने की बात होगी। तो देखो चार्ज चला, अब उसके बाद आती पहली डिसीजन यहाँ पे आती है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट देखो इसका मतलब ही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, सभी को पता होगा। तो इसका मतलब पर सेकंड जो चार्ज फ्लो होता है उसे देखा जाता है। अब एक बात जान लो कि करंट केवल फ्लो के लिए इंडिकेट करता है, चार्ज फ्लो किया उस फिनोमिना से जो पैदा हुआ उसका नाम करंट, चार्ज के फ्लो होने से जो पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? करंट। अब बताती है कि करंट क्या होगी, तो करंट क्या होगी, तो पहले आता आई एवरेज। देखो हर फार्मूला पढ़ते तो उसमें एवरेज इंस्टेंटेनियस का मतलब जानते हैं। आई एवरेज मैंने लिखा, आई एवरेज इसने लिखा, मान लो स्टडी, ज्यादातर तुम्हें स्टडी करंट पर पढ़ाया जाता है तो आपके लिए तो आई एवरेज और आई एक होगा। तो बस ये जानो, अगर देखो एवरेज का मतलब जान लो, जैसे अगर सचिन तेंदुलकर पांच मैचों की सीरीज खेले, पांचों में 100 बनाए, उसे खेलना बंद कर दिया मान लो, एक्चुअल में एग्जाम्पल फिक्स है, सचिन तेंदुलकर से ही आता है, ठीक है, तो पांचों में 100 बनाए तो उनका एवरेज भी 100 होगा। इसका मतलब अगर रन सब में बराबर बनाए गए तो एवरेज भी वही होता है। जैसे आप ऐसे सोचो कि आप नंबर पाते हो, तो पांचों सब्जेक्ट में अगर 100-100 आए तो आपका परसेंट भी 100 है, 90-90 आए तो 90, तब फिर परसेंट निकाले क्यों सही। लेकिन अगर किसी में 90 आते, किसी में 98 आते, किसी में 95 आते, किसी में 93 आते, तो हम सबको जोड़ते हैं, बराबर से बांटते तो एवरेज निकल के आता है। समझ में? एवरेज का मतलब होता है बराबर बांटना, बदल नहीं रहा है तो नहीं बांटना है, बदल रहा है तो बांटना है, ठीक है। तो एवरेज इसीलिए लिखा कि अगर आई बदलेगी तो फिर आपको एवरेज शब्द का यूज करना चाहिए। तो फार्मूला वही, बस तब इसमें डेल क्यू लिखते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल पी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब जान लो, देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है टाइम, देखो ये एवरेज का मतलब है ये कोई ड्यूरेशन में निकाला जाएगा, जैसे 2 सेकंड 3 सेकंड के ड्यूरेशन में। इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत, जहां पे देखा वहीं एट ए टाइम चाहिए। तो यहां पर टाइम क्या कर दिया जाता है? 0 कर दिया, तो लिमिट लगाई जाती है, लिमिट डेल्टी टेंस टू 0। ये सब आपको फर्स्ट ईयर में जब आपको स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाया जाता है तब बहुत डिटेल में बताया जाता है, तब ये डेल जो होता है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, डी क्यू बाई डी टी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा आई ग्राफ। तो देखो मैंने एक बात तुम्हें बताई थी कि एक आता है जब रिलेशन डिवाइड का होता है, अगर किसी में रिलेशन डिवाइड का है तो तो कैलकुलस में वो डिफरेंशिएशन से निकलेगा। देखो डिफरेंशिएशन बना कि चार्ज को समय से डिफरेंशिएट कर दो तो आई निकलेगा, और ग्राफ में कहां से बनेगा? स्लोप से। तो स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ, ठीक है। डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है, डिफरेंशिएशन की अगर जानो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट जो होता है वो स्लोप देता है उसी पॉइंट, तो डिवाइड बाई डीएक्स होता है, यह क्या बताता है? स्लोप एट ए पॉइंट देता है। क्या देता है? स्लोप एट ए पॉइंट, इसीलिए कहा जाता है क्यूटी ग्राफ की स्लोप निकाल लो किसी पॉइंट पर तो वो आपको आई दे देगा उस जगह। तो ग्राफ, अगर ग्राफ दिया है क्यूटी ग्राफ का तो आपको उसके स्लोप से आई मिलेगा, अगर फंक्शन का भी, अब जानो ये यूज कहां होगा, ग्राफ दिया है तो ये यूज करो। मान लो क्यू तुम्हें टाइम के फॉर्म में दे दिया गया, टी क्यूब 2t² 3t, समझ जाओ डिवाइड करना। फंक्शन में दिया है तो आप ये यूज करो, सिंपल क्यू दे दिया गया तो ये यूज करो, ये तरीका होता है और ये हर जगह के लिए है, ठीक, समझ में आया। इसके बाद आता है करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा करंट डेंसिटी क्या होता है भाई, इसको धारा घनत्व कहते हैं हिंदी में, धारा घनत्व। और एट ए पॉइंट का मतलब किसी बिंदु पर ही होता है, क्या होता है, कुछ चीजें जान लो, किसी बिंदु पर होता है। और एक बात जानो, देखो आई जो होती है स्केलर होती है, ये वेक्टर के नियमों का फॉलो नहीं करती है। अच्छा, आप कह सकते हो कि जे लगभग आई जैसा ही है, लेकिन बस ये क्या करता है, ये वेक्टर हो जाता है। और ये क्या होता है, करंट, मतलब पहली बात तो जानो ये एट ए पॉइंट होता है, तो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट,
उस जगह पर यूनिट एरिया में जो करंट बह रही होगी धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाला, उस बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा अभिलंबवत धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं एट ए पॉइंट। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर एन लगाते हैं। यूनिट वेक्टर एन पता है किसी को, यूनिट वेक्टर एन तुमको पता होगा, देखो एन का मतलब नॉर्मल, तो ये वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पब्लिक सेक्टर। ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल ए या नॉर्मल टू ए, नॉर्मल टू ए का मतलब होता है कि एरिया वेक्टर के अलांग होगा, और ये जानते हैं एक्चुअल में यहां से आता है, जैसे जब एरिया वेक्टर लिखते हैं तो हम ए इंटू यूनिट वेक्टर एन लिखते हैं, तो मतलब जिधर एरिया वेक्टर होता है एरिया वेक्टर में था क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लिया जाता है, जैसे सरफेस अगर ये होगा तार का तो एरिया वेक्टर ऐसे लिया जाता है, इसके परपेंडिकुलर ही तो होता है। आता है कि अगर ए इज, देखो ये है ए इज नॉट, ये मैंने परपेंडिकुलर को काट दिया, ये बन गया अगर ए परपेंडिकुलर ना हो किसके, करंट के, करंट के परपेंडिकुलर ना हो। डायग्राम देखो, जनरली आपने देखा होगा कि तार ऐसा होता है, ठीक है, और तार ऐसा होता है तो करंट जो होती है, करंट जैसे ये बह रही है तो करंट ये परपेंडिकुलर ही बहती है, बहती है भाई, एरिया वेक्टर ये है, ये आपका एरिया वेक्टर है, और इसी डायरेक्शन में क्या होती है, करंट भी फ्लो हो रही होती है, आई भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है। लेकिन मान लो आपका क्रॉस सेक्शन ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, तो करंट तो ऐसे ही फ्लो हो रही होगी आई, लेकिन एरिया वेक्टर आपकी बार ऐसा हो जाएगा, तो इसमें एरिया वेक्टर जो होगा वो इससे थीटा एंगल बना रहा होगा। तो वही कहा गया, अगर मान लो एरिया वेक्टर करंट के परपेंडिकुलर नहीं है तो यहां पर क्या आ जाता है, तो यहां पर जे बराबर क्या आ जाएगा, आई अपान, इसको आप चाहो तो डी आई अपान डी ए करके भी लिख सकते हो। डी आई तो क्यों, देखो डी आई का मतलब है कि जैसे अगर परिवर्तन हो रहा है तो काम आता है, देखो हमेशा बुद्धिमानी वाला पार ना लिखो, अगर आई अपान नहीं लिखोगे तो वो तभी लगेगा जब कांस्टेंट होगा, अगर आप बिना कांस्टेंट, जहां कांस्टेंट नहीं वहां भी लिखते हो तो गलत मान लिया जाएगा। अच्छा डी आई अपान डी ए, डी ए बताओ भाई, डी ए कॉस थीटा, हाँ करंट पे डी नहीं लगेगा, करंट एट ए पॉइंट होगा, फिक्स होगा, समझ में आया, जब परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये आएगा। अब अगर इसकी कैची गुणा कर ली जाए ऑन टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जे डी ए कॉस थीटा बनेगा। अब देखो ये ए डॉट बी कॉस थीटा हो गया, तो इसे हम जे डॉट डी ए भी लिख सकते हैं, जे डी ए दोनों वेक्टर क्वांटिटी, तो आई बराबर क्या आया, जे डॉट डी ए एरिया आया फार्मूला, तो ये फार्मूला। और एक बात जानो, अगर कभी जे डी ए का ग्राफ बना होगा तो आपको बताया होगा मैंने, इंटीग्रेशन अगर ग्राफ जब गुणा होता है तो किससे निकलता है, एरिया से निकलता है। तो ये तो बेसिक बातें है, मतलब कहते हैं तो यूनिवर्सल लॉ है जो आपको पढ़ने हैं। फिर आता है करंट डेंसिटी क्वांटिटी कैसी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन बताया गया सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसकी डायरेक्शन वही होगी जो ई की होगी, या फिर क्या होगी, सेम एज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेम एज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, या तो मतलब आप पहले तो ये बताओ कि जे कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो ई की डायरेक्शन होती है, या इसकी डायरेक्शन वही होगी जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है उसके उल्टा लिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है उधर होगी, ये सारी बातें पता हो गई। हाँ अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ द कंडक्टर पढ़ते हैं, तो ये सब लगभग पता है सभी को। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ जो मटेरियल हम पढ़ रहे हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, आपको पता है मटेरियल का क्लासिफिकेशन बहुत तरीके, एक मैग्नेटिज्म के आधार पे किया जाता है, एक स्टेट के आधार पे किया जाता है, एक कंडक्टिविटी के आधार पे किया जाता है, तो अलग अलग तरीके, तो हम कंडक्टिविटी के आधार पे पढ़ते हैं, तो तीन होते हैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, जिसको डायलेक्ट्रिक भी बोला जाता है। तो कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे मेटल में लगभग इनका एवरेज 10^28 पर मीटर क्यूब होता है, पर मीटर क्यूब में 10^28 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल, इसीलिए मेटल को अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ऐसे बहुत से, हम बहुत से के बारे में नहीं जानते क्योंकि हम कंडक्टर वो नहीं पढ़ने आए। हाँ अब बहुत से माना जाता है, और जान लो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी, ये कोई सीरीज, ये एक सीरीज है कंडक्टिविटी के आधार पर बनाई गई है,
तो इससे आप ये जान सकते हो कि कौन बढ़िया होता है। ये कुछ खास मेटल है जिनकी कंडक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी के, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट मेटल कौन माना जाता है? सिल्वर, फिर नंबर दो पे कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर गोल्ड। ठीक है, ये भी समझ में आया। इसके बाद आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल से क्या होते हैं? मेटल या कंडक्टर से क्या होते हैं? कंडक्टर से बहुत कम होते हैं, थोड़े बहुत नहीं कम होते, बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये मान के चलो कि नॉर्मली टेम्परेचर, ये जो बहुत कम टेम्परेचर पर तो ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ये थर्मली जनरेट होने की ताकत रखते हैं। क्या रखते हैं? थर्मली जनरेट होने का मतलब गर्म करने पर जनरेट होगा। तो थर्मली जनरेट हो जाते हैं। इससे फायदा यह होता है कि अगर थोड़ा गर्म वर्म कर दिया जाए तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन निकल आए, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब थोड़ा तार गर्म हो जाए तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बाकी भी बहुत तरीके होते हैं, वो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एक टॉपिक है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक ये जानो कि इनकी संख्या बहुत कम होती है इसलिए बढ़िया ये कंडक्टिविटी नहीं देते हैं। लेकिन ये थर्मली जनरेट हो जाए, अगर इसको थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़ा मतलब इनको एनर्जी थर्मल एगेशन मिल जाती है, तो इनके क्या हो जाते हैं? कुछ बांड और टूट जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। शुरुआत में नहीं होता लेकिन आज टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनमें बढ़ने लगे थर्मेचर। अच्छा, इंसुलेटर में क्या होता है? सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? टाइटली बाउंड। तो टाइटली बाउंड होते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी फ्री नहीं होता है। जब कोई भी फ्री नहीं होगा तो कंडक्शन क्या होगा? कंडक्शन नहीं होगा, बिल्कुल कंडक्शन नहीं होगा, मतलब चालन होगा नहीं। जब सारे बाउंड बाउंड है तो चालन नहीं होगा, चालन नहीं होगा, इसीलिए इन्हें इंसुलेटर बहुत बोला जाता है। हाँ, इनका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक भी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें चल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इनको दो चार्ज प्लेटों के बीच में रख दिया जाए ऐसे इंसुलेटर को, तो ये क्या करते हैं? तो इनमें जानते हो अपोजिट चार्ज क्या होता है? जैसे ये प्लस प्लेट है तो इधर की ओर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर की ओर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये तो ठीक है, ये मतलब पार्शली पोलराइज हो जाते हैं, अपने चार्ज को शिफ्ट करके पोलराइज हो जाते हैं, इसीलिए इनको डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है कि चल तो नहीं सकते लेकिन अपने अपने सिरों को क्या कर देते हैं? चार्ज कर देते हैं। इस वजह से इंसुलेटर बोला, डाइलेक्ट्रिक बोला। डाइलेक्ट्रिक का मतलब जो अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस कर देना, समझ में आई बात। इसके बाद आता है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। बच्चा ये कहानी सुन लो, इतनी बात समझना, इसमें ऐसा कोई बहुत बारे में नहीं था। देखो, करंट तक तो आपको पता ही था, करंट डेंसिटी छोड़ के आपको सब पता है। अब आता है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। तो ये तो सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते, देखो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल जानते हैं। तो पहले जानो, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? रेंडमली पूरे क्या होते हैं? पूरे क्रिस्टल में क्या करते हैं? पूरे क्रिस्टल में घूमते हैं, मूव करते, लिख लो, मूव करते हैं। पहली बात कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली का मतलब है कि हमको ये नहीं पता किधर जाएंगे, जिधर मूड हो उधर जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी? और जब ये रेंडमली मूव करते हैं तो इनका जो व्यवहार होता है क्या होता है? व्यवहार कैसा होता है? लाइक गैस मॉलिक्यूल इन वेसल, मतलब इनका व्यवहार जैसे बर्तन, जैसे किसी बर्तन में गैस भरी होती है वो चलते हैं, गैस के मॉलिक्यूल भी इधर उधर मूव करते रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन गैस भी बोला जाता है। ये नाम पढ़ाने के लिए मैंने ये पढ़ाया कि कभी कभी पूछ सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं, क्योंकि जैसे बर्तन में भरी गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन तार के अंदर मूव करते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आया, व्यवहार की बात हो गई। इसके बाद आया, जब ये मूव करते हैं तो बार बार क्या करते हैं? मूव करते समय बार बार ये पॉजिटिव आयन से क्या करते हैं? बार बार पॉजिटिव आयन। अच्छा, ये पॉजिटिव आयन कहां से आया? देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आइटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है? मेटल में कुछ बाहर के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, आइटम को छोड़ देते हैं,
वही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो देखो अच्छा बच्चा, जिसके इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव आयन नहीं हो जाएगा। तो ये जान लो कि मेटल में पॉजिटिव आयन भी होता है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते उतने पॉजिटिव आयन होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बार बार क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन से क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन से टकराते हैं। क्या होते हैं, टकराते हैं। इस लफड़े को हम क्या कहते हैं, कोलाइजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोलाइजन कहते हैं। आप कोलाइजन कहते हैं। अब आता है बिटवीन टू कोलाइजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन। इसमें दो डिफिनीशन हमारी मेन होती है। तो ये लाइन मैंने इसलिए चुरा ली क्योंकि ये लाइन आखिरी में दोनों में लगानी है, तो हमने इसको चुरा के ऊपर रख लिया। आप केवल ये बोलेंगे क्या, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन, तो ये बोलेंगे देखो मीन थ्री का पाथ का मतलब होता है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन। और आगे ये जोड़ दो, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन इट्स कॉल्ड मीन थ्री पाथ डिनोटेड बाई लैम्डा। देखो हर चीज है, इधर उधर पड़ी है, सब रीअरेंज करना है। और हिंदी में क्या होगा कि ये इसका मतलब होता है दो क्रमागत चक्रों में। क्या मतलब होता है, ये सक्सेसिव माने क्रमागत होता है, एक के बाद दो क्रमागत चक्रों में, दो क्रमागत चक्रों में बाद में यही देखाओ मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई औसत दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। मीन फ्री पाथ को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। लेमडा से नोट करते हैं। अच्छा लेमडा से नोट करते हैं, इसका जो ये लगभग किस कोटि का होता है, नहीं ऑर्डर ऑफ बताया जाता है, इसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये लगभग 10^-10 मीटर या आप कह सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है मीन थ्री पाथ। ठीक है, इसके बाद आता है रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, ये डिफिनेशन समझ में आ गई। अंग्रेजी वाले ऐसे पड़ेगा द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ डिनोटेड बाई लैम्डा एंड इट्स वैल्यू इज ऑर्डर ऑफ 10^-10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। हिंदी में क्या पड़ेगा कि दो क्रमागत टकरों में चली गई औसत दूरी इलेक्ट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये इस कोटि का होता है। बाकी मेरे नोट्स पढ़ो, थ्योरी मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, द एवरेज टाइम टेकन बिट नहीं बाई फ्री इलेक्ट्रॉन, बस बाकी जोड़ ले। अरे भैया देखो, द एवरेज टाइम टेकन बाई फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन इज कॉल्ड रिलेशनशिप साइन डिनोटेड बाई टाउ इट्स इन ऑर्डर ऑफ 10^-14 सेकेंड। ऑर्डर पढ़ लेना, ये सब एक नंबर के क्वेश्चन है भैया, के किस ऑर्डर का होता है, किस ऑर्डर का। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, दो क्रमागत टकरों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगे औसत समय को क्या कहते हैं, शांत काल। इसको कहते हैं शांत काल। क्या कहते हैं सर, हाँ ठीक। तो देखे तो पहली बात देखो, यही बताया गया कि इलेक्ट्रॉन मेटल के लेटिस में रेंडमली 10^5 m/s की थर्मल वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, यार इलेक्ट्रॉन चल भी रहा है, इतनी स्पीड भी लेके चल रहा है, तो फिर ऐसे करंट काहे नहीं मार देता है। तो उसका मतलब है देखो, ये रेंडमली पूरे लैटिस में क्या करते हैं, चारों तरफ इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं, टक्कर करते हैं। तो इनका चारों तरफ करते हैं, इसलिए एवरेज जो होता है इनका क्या आता है, जो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज होता है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो पहले बताओ, चूंकि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंस द डिस्ट्री समझ जाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आर एवरीवेयर, सीधे लिखो आर एवरीवेयर, सब जगह होता है। तो सब जगह होता है, इसीलिए ये इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज होता है, एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अर्थात u1+u2+u3……un ये अपॉन n, ये क्या होगा, जीरो होगा।
क्योंकि भाई चारों तरफ घूमते हैं, तो इसीलिए क्योंकि कुछ लोग जैसे भाई एक तरफ तुम प्लस मानोगे तो उसके दूसरे साइड में माइनस, तो इधर भी है इधर भी है, तो जितने इधर उतने इधर, तो सबका एवरेज क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसीलिए, और इसीलिए जान लो सारे इलेक्ट्रॉनों के चलने के बावजूद अगर करंट ना लगी उसका कारण है बस वो क्या करते हैं, वो सही से चलते नहीं, एक ही डायरेक्शन में अभी सब चलने लगे और सही से काम करने लगे, तो उसे आप ऐसे समझ लो जैसे ये इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो फील्ड को आप टीचर समझ लो, बिना टीचर के जो क्लास होती है वो रेंडमली बिखरी होती है, तो आप पढ़ाई का माहौल नहीं बनेगा। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे पास पढ़ने नहीं, बहुत चीजें पढ़ने के भी है लेकिन हम पढ़ते नहीं है। टीचर आके नहीं तो कुछ ब्लैक बोर्ड की ओर लाइन तो कर ही देता है, चलो भैया ब्लैक बोर्ड देखो, या चुपचाप नहीं कहता तो रीडिंग करो कह देगा, नहीं पढ़ा देगा मन होगा तो करवा लेगा, तो एक माहौल तो क्रिएट कर देता है। तो इलेक्ट्रिक बिल यही है, बाकी सब तो तुम कर ही रहे हो, पर तुमको क्या करता है अलाइन करा देता है कि हाँ इससे चलो तो काम बनेगा, बस ये है। ठीक, तो ये समझ में आ गया इनिशियल का एवरेज जीरो। अब आता है जब हम क्या करते हैं वही पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल मतलब भाई बैटरी जोड़ू, पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं इसका मतलब जान लो बैटरी या सेल जोड़ते हैं। बैटरी सेल क्या है अभी बात कर रहे हैं, बैटरी सेल जोड़े बताओ भाई क्या होगा जल्दी बताओ। तो देखो जैसे ही ये जोड़ोगे तो हमने बताया पोटेंशियल, वैसे ही क्या लगेगा ई लगेगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ ये कोई कंडक्टर है, एक मेटल में कंडक्टर मान लो, इसको बैटरी से जोड़े, ये बैटरी बी से जोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती प्लस से माइनस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसे लगेगा, इसके अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन निकाल दो खोचो खोचो दो। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी आप तो तुम्हारे दिमाग में आए इलेक्ट्रॉन जे चार्ज चार्ज और ई जे फील्ड, तो दोनों मिले तो आपको पता है एफ बराबर क्या मिलेगा, एफ बराबर मिलेगा क्यूई क्यूई, तो हम ई लिखेंगे तो ई ही मिलेगा। अच्छा निगेटिव है तो माइनस लगा दो, वेक्टर में लिख लो तो साइन लिखेगा। हमने कहा था अगर वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो साइन नहीं लिखते, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर में लिखते तो साइन लगाते हैं। दिस इज वेरी बिगेस्ट चूरन जरूर समझे। अब ये निकला है फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो एक्सलेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपने पढ़ा होगा फोर्स अपॉन मास इक्वल टू एक्सलेशन, तो माइनस ई बाई एम, दिस इज द एक्सलेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी और सेल। सेल और बैटरी रखने पर हर इलेक्ट्रॉन पर यह एक्सलेशन लगता। अब यहीं पर भी यहां पर भी एक चूरन है, यहां का चूरन यह है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हो रहे हैं, एक्सलेट होने का मतलब समझते हो कि हर सेकंड पर उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तब तो फिर क्या होगा, अभी बढ़ी अभी बढ़ी अभी बढ़ी, तो आग्रह तो फिर आतंक देना चाहिए लगातार, एक्सलेशन का मतलब लगातार पर सेकंड बढ़ना ही चाहिए, और लगातार अगर बढ़ेगा तो फिर कभी ना कभी तो आतंक भी कट सकता है। फिर नहीं कट रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं एक्सलेशन में लफड़ा है। एक्चुअल में होता क्या है एक्सलेशन एक्सलेटेड मोशन नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन का, क्यों नहीं हो पाता है, बार बार ये टकरा रहे हैं, टकराने में चटापट आ जाते हैं, तो जो एनर्जी इधर उधर बैटरी देती है वो सब रस्ते में कन्वर्जन खर्च हो जाए, थोड़ा बहुत जो जोर बटोर पाओ तो वो उनको ड्रिफ्ट प्लास्टिक के फॉर्म में मिलता है, बाकी जितना तुमको मिलता है वो रास्ते भर में। पहले लिखो कि पहले लिख देता हूं कि ईच इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ईच इलेक्ट्रॉन को ए बराबर माइनस ई बाई एम मिलता है, मिलता है, बट इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड मोशन नहीं कर पाते हैं, मोशन नहीं कर पाते हैं। अब पूछो काहे, ये एनसीईआरटी वाले लिखो जैसे तो लिखते हैं काहे, पहले लिखेंगे वाही वाही फिर वाही के बारे में बताएंगे, हम भी लिखेंगे काहे, तो काहे के वो की क्योंकि वो बार बार क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार पॉजिटिव आयन से टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं। अब तुम अच्छा तुम खुद सोच के सुन, अगर तुम किसी से टकराओगे तो भाई तुम तुम्हारे चोट लगेगी, तुम्हारी कुछ एनर्जी गई, कुछ वार्तालाप होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें एनर्जी गई, आए कुछ हो सकता है, मान लो ज्यादा तुम्हारी गलती हो तो उसका हाथ जाना भी बनना पड़े, तिवारा एनर्जी गई तो बच्ची कितनी, तो यार तो इसका मतलब जब टक्कर वक्कर होगी तो एनर्जी तो जाएगी, तो ऐसे में इनकी क्या हो जाती है, तो क्योंकि ये बार बार टकराते हैं तो जो एनर्जी ने बैटरी से मिलती है वो उसका क्या हो जाती है, तो बैटरी से हाँ तो बैटरी से मिली एनर्जी क्या हो जाती है,
का कुछ भाग, कुछ भाग नहीं। हो जाता है। अब इसके बाद आता है ये कुछ भाग खर्च हो गया। अब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि बैटरी हमें क्या करती, बैटरी या सेल, बैटरी या सेल जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सीलरेटेड मोशन नहीं देता है। ये केवल क्या करता है, ये केवल उन्हें एक स्मॉल अमाउंट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ही देता है, ही देता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ही देता है। इसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम हिंदी में अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू बैटरी। बैटरी से इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त की गई अंतिम वेग का जो औसत होगा उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अफवाह वेग कहेंगे। फिर जानो, अब हम इसको निकालने जा रहे हैं। तो ड्रिफ्ट माने बी एवरेज, बी एवरेज का मतलब यू एवरेज प्लस ए इंटू टी एवरेज। अच्छा, ए पे मैंने एवरेज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ए सभी के लिए एक समान है, जो चीज एक समान होती है उसका एवरेज वही रहता है। ठीक भैया, अब यू एवरेज मुझे पहले ही पढ़ लिया कि जीरो होता है, और ए एवरेज को भी हमने पहले पढ़ लिया ये टाउ होता है, अभी तो पढ़ा है कि द एवरेज टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसफुलाइजर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इज कॉल्ड टाउ, डिनोटेड बाय टाउ। तो ये दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या है। तो हमारी ये प्रूविंग हो गई भाई, बीडी बराबर ए टाउ। अब इसमें अगर ए की वैल्यू रख दी जाए, कौन सी, माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ, तो टाउ का फार्मूला ये आया भाई, बोलो टाउ, समझ में आया। तो ये बीडी आ गया, बीटी निकल आया। अब बीटी के आगे चलो बढ़ते हैं, अब आई बराबर बीटी का रिलेशन देखते हैं। चलो, अब देखो रिलेशन बनना, आई बराबर, देखो रिलेशन हम पढ़ रहे, देखो इसमें एक नाम आएगा, पहले इससे निपट लो, एन एन बाई बी। देखो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, हमने कहा जौन चीज नीचे लगा उसको पर लगा के, पर यूनिट लगा के लिख दिया करो। ऊपर देखो ये लिख रहे पर एक तरीका है, ऊपर वाला नाम फिर पर यूनिट नीचे वाला नाम, तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसे नंबर डेंसिटी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नंबर डेंसिटी। क्या इसकी कोई यूनिट होती है, नहीं होती है, नंबर की नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम की होती है, सिर्फ पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। क्या होती है, हाँ स्मॉल एम की यूनिट होती है, कैपिटल की ना होते है। और ये क्या है, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रॉन इन मेटल, अच्छा टोटल नहीं बताया जाता, क्योंकि पता नहीं तार कितना बड़ा कितना बड़ा कितना, पर यूनिट वॉल्यूम में बता दिया जाता, उसी हिसाब से आप हमने हिसाब जोड़ भाग किए। डी क्यू बाई डी टी होता है, तो ड्यूटी को हम लिख सकते हैं एन इंटू ई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं क्या पता, एन इंटू ई लिखेंगे। एन का मतलब क्या है, एन को हम क्या लिख सकते हैं, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ पर सेकंड, जितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, ये चार्ज फ्लो है, तो ये मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, ये भाई ये है ये चार्ज फ्लो, तो चार्ज है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकले, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकले इसको हम तोड़ के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एन इंटू बी, एन इंटू बी, वो तो यही तो लिखेंगे ही। अब बी को तोड़े, तो बी को तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, बी को तोड़ के हम एरिया इंटू, मान लो टी, देखो जैसे यह वायर है, मान लो डी टी समय में वो वायर में यहां से यहां तक जाते, डी टी समय में डी एक्स दूरी तय कर,
नहीं कुछ दूरी होगी ना डीटी समय में तय करेंगे, इसका मतलब अत्ते वैल्यूम तो घिरी है, तो वैल्यूम का हो एरिया इंटू डीएक्स इंटू ई बटे डीटी। अब डीएक्स बाई डीटी को हम क्या कह देते हैं, वी, ये भरना क्या है, एन ई ए वी डी, बोलो चमका क्या। तो आई बराबर एन ई ए वी डी होता है तो समझ में आ गया, जे बराबर आई बाई ए होता है ये निकल आए, ये भी समझ गए आप। कुछ छोटी और मोटी शक्तिमान टाइप बात, कौन सी बातें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, शक्तिमान टाइप बात, बातचीत पढ़ने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं शक्तिमान टाइप बात। पहली बात, पहली बात ये कहा गया कि आई सेम रहेगा, आई सेम रहेगा चाहे ए बदल जाए, चाहे ए बदल जाए, मतलब ए तार ऐसा हो सकता, हाँ सकते हैं, मतलब तार नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो ये सब तार होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के कोई भी तार हो सब में मतलब क्या आई सेम रहेगा, पहली बात। बाकी सबके बारे में जान लो, बाकी जानो, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। अब सुनो भैया, ई जे बी डी ये डायरेक्ट, देखो वैसे तो इनका सबका संबंध मैं केवल एरिया से बता रहा हूँ, इनका आपस में नहीं बता रहा हूँ, बस तुम ये जानो कि ये सब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आपस में इन दोनों के होता है ई ओ बी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जे भी होता है लेकिन जे इतना ज्यादा यूज नहीं होता है इसके साथ, लेकिन तीनों का ये डायरेक्टली होते हैं, इसके साथ इनवर्सली होते हैं। मतलब अगर एरिया कम करोगे तो ई बढ़ेगा, एरिया कम करोगे जे बढ़ेगा, एरिया कम करोगे बी डी बढ़ेगा, बी डी बढ़ता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे ये सब कम पड़ जाएंगे, समझ में आई बात। तीसरी बात जानो, फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर करंट कैरिंग, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है इसमें सुनो भाई, आउटसाइड कंडक्टर जीरो होता है, इनसाइड कंडक्टर नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बी बाई एल के बराबर, मतलब ये पता होना चाहिए, स्टैटिक चार्ज के बाहर फील्ड होती है चार्ज के बाहर, लेकिन जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, अंदर होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बी बाई एल के बराबर होती है,